क्या लग रहा होगा मैच इस बार? बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है, टेंशन है। दो दिन पहले बीच बीच ओवर का होना चाहिए, लेकिन टी शर्ट दे रहे टीम इंडिया की। कितने की है ये? 200 रुपया। आज दिनांक 6 अक्टूबर को हमारे लखनऊ शहर के क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका नाम है इकाना क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं, जिन्होंने टिकट ले लिया है, जिन्होंने टिकट नहीं लिया, अगर देखना चाहते हैं कि यहां इस समय क्या माहौल चल रहा है। अभी का माहौल जैसे देख सकते हैं, अलर्ट आया है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, 7 दिनों तक बहुत ही भारी बारिश होगी, और साथ ही साथ आज के दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि आए या ना आए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग सिटी के बाहर के रहने वाले हैं, वो रास्ते में है। सब कुछ अपडेट आपको इसमें पता लगेगी कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, टिकट कैसे मिल रहा है, या आपको कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्या अपडेट है, मैच होगा कि नहीं होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और नए आए हों वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आपको ये नई ताज़ा अपडेट मैं आपको लखनऊ के रिगार्डिंग दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली बात मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी मैच देखने आ रहे हैं और यहाँ पर आज मैच होगा कि नहीं होगा, उनके लिए मैं अभी पहले ही बताता हूँ कि आज मैच कंडीशन भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि देखिए, आपको जैसे पता है कि ये जो मैच होने जा रहा है इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, ये है वनडे मैच, जी हाँ, रात के 11 बजे तक चलता, लेकिन अब कहा जा सकता है बारिश हो रही है बहुत हल्की हल्की। अभी आपको जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ लखनऊ शहर के, क्योंकि मैं लखनऊ शहर में ही रहता हूँ, मैंने भी टिकट लिए हुए थे, मैच को देखने वाला था, बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले साल दिवाली में मैच हुआ था, उसके बाद आज जाके हो रहा है, वो भी फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे मैच हमारे लखनऊ शहर में हो रहा है इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सभी लोग एक्साइटेड हैं। सो बहुत सारे लोग को मैं बताना चाहूँगा कि यार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्लियर है या नहीं कि अभी मैच होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, कहा नहीं जा सकता। और बात रही कि अगर होगा तो कितने ओवर का होगा, हो सकता है कि अगर बारिश कम हो तो ओवर थोड़ा घटा दिए जाएंगे और उसी हिसाब से मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब देखना है होगा कि नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, अगर मुझे कोई अपडेट पता लगती है तो आपको बता दूंगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग टिकट ले चुके हैं और उनका पैसा भाई वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीज़ की जानकारी मैं अगली वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अपडेट देता रहूँगा। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या क्रेज़ है क्रिकेट के रिगार्डिंग, में वहाँ गए थे सुबह सुबह की मॉर्निंग में, देखा कि यार बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आए, और क्रिकेट टीम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा जो सभी जनता के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ क्लिप में आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखें आप सभी लोग। क्या लग रहा होगा मैच इस बार? बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है, टेंशन है, दो दिन पे बीच बीच ओवर का होना चाहिए, लेकिन हाँ उम्मीद तो है ऐसा होगा, होना चाहिए, मेरे को भी लगता है। बहुत टाइम बाद हो रहा है लखनऊ में, ये शायद जब दीपावली के कुछ दिन पहले था, उसके बाद मतलब इंटरनेशनल जो उसके बाद तभी भीड़ भी है, इतनी ज्यादा से लोग ज्यादा एक्साइटेड है। अभी देखेंगे मैच, कितने की है सब टी शर्ट? 100 करके। अब वो टोपी 100 करके, जेट वाला है, गोल वाला। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मैच होने वाला है? बहुत टाइम बाद हो रहा है लखनऊ में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है यही के बाहर से हैं हम, कोलकाता से। माहौल यही रहा, और कहा जाए सुबह से बारिश हो रही है हमारे लखनऊ शहर में, ये अभी की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ लखनऊ शहर के अंदर और मैं भी देखने वाला था, बट इस बार का जो मैच है भाई बारिश की वजह से गिरगिरा हो गया। बट कोई नहीं, अब अगर मुझे कोई भी अपडेट पता लगती है मैच के रिगार्डिंग तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, और इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं आपको अपडेट बता पाऊँगा और आप तक वीडियो पहुँच पाएगी। सो वहाँ पर स्टेडियम के जस्ट बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, टाइट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी गई है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम खेलने आ रही है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। डाइवर्जन रूट का बहुत ज़्यादा किया गया है, क्योंकि एक ही रूट पर शहीद पथ आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इस वजह से बहुत सारे रूट को डाइवर्जन किया गया है। अगर आप सभी लोग लखनऊ शहर में रहते हैं तो हो सके अपने कन्वेंस से आएँ, बहुत ज़्यादा सही रहेगा, और अगर आप सभी लोग बाहर से आ रहे हैं तो आप सभी लोग कहीं भी उतरें लखनऊ शहर के अंदर, कहीं भी हो तो वहां से एक ऑटो या अपना कोई भी कन्वेंस आप बुक कर लें, जो कि डायरेक्ट आपको स्टेडियम तक पहुंचा पाएगा, तभी आप सही ढंग से और सही समय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच पाएंगे, तभी आप सभी लोग मैच को देख पाएंगे। अब देखना है कि मैच होता है कि नहीं होता है, अगर जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।